As the principal opposition party, we wish him all the best. Good health, long life, and many years of public service. Coming to the question of his press conference, except the announcement of the fact that he is unavailable for future leadership, the rest of the press conference was intended to be a formality. It turned out to be a farce. If we read between the lines, and at times almost expressly so, he admits that his government failed to curb corruption. He admits that it failed to check unemployment. And he admits it failed to contain inflation. भ्रष्टाचार को वो रोक नहीं पाए, कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति को वो चेक नहीं कर पाए, बेरोजगारी उनके कार्यकाल में बढ़ी। अब ये तीनों मापदंड ले लिए जाएं किसी भी शासन के, कि जिसमें बेरोजगारी भी है, बढ़ती हुई कीमतें भी हैं और भ्रष्टाचार भी है, तो सरकार तो पूर्ण रूप से फिर विफल रही। बिटवीन करप्शन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा शासन दिया, इसके लिए वो तर्क ढूंढते रहे। सबसे विचित्र तर्क था कि जब पूछा गया कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में व्यर्थ सफल नहीं हो पाई रोकने में, या कौन सा ऐसा कदम है जब आपको लेना चाहिए था या असर्ट करना चाहिए था, तो सच में उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था। कोल ब्लॉक आवंटन के समय या 2G के आवंटन के समय, जब बार बार उनको लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो रोक सकते थे। उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की, उन्होंने एक नए तर्क का निर्माण किया। ही मैन्युफैक्चर्ड अ न्यू लॉजिक, और ये नया तर्क था कि भ्रष्टाचार यूपीए 1 में हुआ और उसके बाद मैं 2009 का चुनाव जीत गया। इलेक्टोरल सैंक्शन टू अ कोरप्ट गवर्नमेंट वाइप्स आउट द एलिगेशन ऑफ करप्शन। यह पहली बार है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने यह तर्क दिया हो। कि चुनाव का परिणाम जीतने से भ्रष्टाचार के आरोप अपने आप में रद्द हो जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का यही तर्क वो क्रिमिनल्स भी प्रयोग कर सकते हैं
जो कई बार चुनाव जीत जाते हैं।